ये बताइएगा इत्तेजाज साहब, ये काबीना पाकिस्तान की कहती है बिल पास करके कि साहब ये खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर तरीन जजेस को करना चाहिए, न के अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। आपकी क्या राय है कि वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बेबहा इख्तियार है जिसको महदूद करना चाहिए, जिसके आगे बंद बांधना चाहिए, या नहीं ये जो सिस्टम चल रहा है ठीक है? नहीं, ये तो हम पहले से कहते रहे हैं कि एक कोलिजिएट डिसीजन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, इस वक्त ये है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, क्योंकि आईनी इख्तियार को इन्होंने पाबंद करना है बाई कानून, या तो आईन में तरमीम हो रही हो ना, आईनी तरमीम हो। सही है, अब आईनी तरमीम नहीं है ये, जी हाँ। ये आईनी इख्तियार को बाई सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि रेगुलेट करना चाहते हैं, इसलिए ये मौसर बा माजी नहीं हो सकता। यानी जो सूरत हाल है, जो बेंचेस बने हुए हैं, जो सुन रहे हैं केसेस, उन पे ये नहीं लगाया जा सकता, उन पे आईन का फुल वो फ्रीडम जो पहले थी अभी तक वही चलेगी, और वो इन केसेस के मुताबिक चलेगी। और जो बेंच बना हुआ है वो चलेगा, और जो 5-3 का फैसला है, असल बात तो ये है ना भाई कि इलेक्शन पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के होने चाहिए कि नहीं होने, ऐसे ही कुछ ऐसी चीज है जो अगर अगर 1 मार्च को 3 जजेस ने फैसला दे दिया, और वो 3 जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो कोई लॉ बनाने से तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको तो आईन को तरमीम करके ही खत्म किया जा सकता। हाँ। अब अगर आईन को तरमीम ये नहीं कर सकते, क्योंकि 228 मेंबर तो है ही नहीं, ऐसे ही इधर बैठे हुए असेंबली में। हाँ। 228 पे तो बहुत कम है जो बैठे हुए असेंबली में। अब ये वो तरमीम नहीं कर सकते, यानी ये आइंदा जो सुबह मोटो नोटिस दिया जाएगा कभी, उस पर इतलाक होगा इस लेजिस्लेशन का, इस कानून। ठीक है, तो ये तो सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल नुक्ता बता दिया कि आपकी राय है कि मौसरबा माजी हो ही नहीं सकता, अगर ये बिल मंजूर भी हो गया तो उस बिल की मंजूरी के बाद अगले दिन से जो अदालती कार्रवाई होगी उस पर इतलाक हो सकता है। जो नए बेंचेस बनेंगे, जो बन गए वो तो बन चुके, आपकी राय बिल्कुल ठीक है, वो बन चुके, सही, वो बन चुके हैं। मैं ये अर्ज कर दूं, खा ये लिख दे, पार्लियामेंट ये लिख दे, अच्छा कानून मौसरबा माजी होगा, वो मौसरबा माजी हो नहीं सकता, क्योंकि आईनी इख्तियार को कानूनी कानून से बदला जा रहा है, आईनी तरमीम से नहीं बदला जा रहा। ठीक है, तरमीम मौसर बमाजी हो सकती है, आप कह रहे हैं कोई सूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, अब सर ये आप इस पर ओपिनियन दीजिए कि वैसे आप समझते हैं कि ये बात ठीक है, चीफ जस्टिस के इख्तियार बेबहाएं और बंद मानना चाहिए, या नहीं? नहीं, ये मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, ये और जिस तरह इस्तेमाल 1-2 चीफ जस्टिस ने किया इस इख्तियार को, वो बहुत तजावज कर गया था। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, इस वक्त दोनों इस वक्त रिटायर हुए हैं, दोनों तीनों तीन तो, पर तीसरा ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ जिस मकसद, अच्छा आपने नाम नहीं लिया वरना लोगों को लगता कि आप इफ्तिखार चौधरी साहब या साकिब निसार साहब की तरफ इशारा, ठीक है आप तो, लेकिन अब लेकिन यहाँ जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो मकसद पूरा होता नहीं नजर आता मुझे, और वो उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तो सर ये इनके लीगल माइंड्स कौन है, इन्होंने इनको बताया नहीं होगा, इफ इट इज दैट सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर जिस तरह आप बता रहे हैं, अभी तो कोई राज ही नहीं है ना इसमें कि इनको एक मकसद हासिल करना है, इसलिए रातों रात इजलास तरावी के टाइम पे भाई पार्लियामेंट बिठाओ काबीना बिठाओ, एक मकसद हासिल करना है। अगर वो हासिल नहीं किया जा सकता और अगर इतना क्लियर है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो इनको इनके अटॉर्नी जनरल और फला फला वजीर कानून ने नहीं बताया होगा कि भाई ये तो इस मश्क का फायदा ही नहीं है कोई? जरूर बताया होगा, तो फिर जरूर बताया होगा, फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये एक इनका तरीका है कि बस बुलडोज करो जिसको भी है, और जो बुलडोज ना उसके उसके अपने हल्ला बोल दो, ये तो एक इनकी रही है ना ट्रेडिशन। पर यहाँ मेरा ख्याल है और ट्रेडिशन ने अभी प्ले आउट करना है, और इतना आसान काम नहीं होना इन जजेस के लिए भी, जो जजेस इस इलेक्शन देखें, इलेक्शन का होना या ना होना असल मकसद असल पॉइंट है, इलेक्शन नहीं कराना चाहते जो वो ये कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते उनमें जाहिर है कि कौन कौन आया, उनमें वो आए जो के पीएमएल नवाज है, उनमें वो आ गए मौलाना साहब, उनमें पीडीएम आ गया, उनमें
कहने पीपल्स पार्टी भी कहने जैसे अब तो जरा वो भी आ गए पीपल्स पार्टी भी आ गई। मैं कौन पीपल्स पार्टी मैं इसके बारे में नाराज करूंगा आपसे, पर मैं ये इसमें बारे में बिल्कुल अभी ये नहीं कि अपनी फैसला लगता हुआ हो, उसकी वजह मैं बता दूंगा आपको। पर मैं जो समझता हूँ कि जो बिल्कुल वाजे तौर पे आ गए वो लोग वो महकमे जो कि इनकार कर रहे हैं फाइनेंस देने को या नफरी देने को, मसलन रेंजर को देने को जब वो वजीर दाखला इनकार करता है या फाइनेंस देने को वजीर खजाना इनकार करता है या कोई और नफरी देने को इनकार करता है कि ये लोग हमारे लोग नहीं आ सकते इस में, वो असल में इस इलेक्शन नहीं चाहते। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो उस ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहेंगे जो कि चीफ जस्टिस मुनीर से मंसूब रवायत होगी, वो उसके बरक्स चीफ जस्टिस कॉर्नीलियस से मंसूब रवायत से ऊपर चलना चाहेंगे। और वो यकीनन इसके बारे में अगर कोई बड़ा बेंच बन भी गया तो वो सोचेंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं और उनको उनके दिल क्या कहते हैं। चौहान साहब लीगली स्पीकिंग एक लीगल नुक्ता समझाएं, ये तो मौसरबा माजी नहीं हो सकता है, तो बात हो गई तफसील से। अब ये बताइए अगर ये बिल मंजूर हो जाता है जो कि लगता है बजायर हो जाएगा, जाहिर आईनी तरमीम नहीं 2/3 नहीं लेकिन बिल तो मंजूर हो जाएगा मुश्तरका सेशन या जो भी करके वो सारे तकाजे पूरे हो गए अगर, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल हैव द राइट कि इसको उड़ा सके अपने मामलात में मुदाखलत कहकर या किसी वक्त जवाब बनाकर, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि पार्लियामान सुप्रीम है तो बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पाबंद हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी? नहीं, एक बार दफा तो जाएगा यकीनन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई ना कोई जाएगा, कोई तो लेकर जाएगा, सही बात, ठीक है, उसका हक होगा कि उसकी सुनवाई हो उसकी, सही, वो फैसला क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो बेंच कैसा बनता है, चीफ जस्टिस अगर लड़ना चाहे वापस तो चीफ जस्टिस के पास बहुत इख्तियार है, चीफ जस्टिस बेंच बनाए उनका जिनमें सारे कॉर्नीलियस पिटिशन के लिए हो के खड़े हो आज, और वो चाहते हो कि उस ये जमहूरी अमल ना खत्म किया जाए।